नीतिवचन अध्याय 20, नीतिवचन अध्याय 20। दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। राजा का भय दिखाना सिंह का गरजना है। जो उस पर रोष करता वह अपने प्राण का अपराधी होता है। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह होती है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल देता है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके लड़के बाले धन्य होते हैं। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को उड़ा देता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? घटती बढ़ती बटखरे और घटती बढ़ती नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है व नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तो रोटी से तृप्त होगा। मोल लेने के समय ग्राहक तुच्छ तुच्छ कहता है, परंतु चले जाने पर बढ़ाई करता है। सोना और बहुत से मूंगे तो है, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मनी ठहरती है। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ करता उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उसके बंधक की वस्तु ले रख। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। सब कल्पनाएं सम्मति से स्थिर होती है, और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेलजोल न रखना। जो अपने माता पिता को कोसता और उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होगी। मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा की बाट जो होता रह वह तुझको छुड़ाएगा। घटती बढ़ती बटखरों से यहोवा घृणा करता है, और छल का तराजू अच्छा नहीं। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आदमी क्यों कर अपना चलना समझ सके? जो मनुष्य बिना विचार किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछपाछ करने लगे वह फंदे में फंसेगा। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है, और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल है। चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करने कहते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है।